स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट पार्ट है। रिएक्शन विद अमोनिया, एसिड अमाइड्स हमने बनाने हैं तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, एसिड अमाइड्स बनेंगे। एसिड अमाइड्स मीन जिसमें NH2 ग्रुप इन्वॉल्व होगा इसको बोलते हैं एसिड अमाइड्स ग्रुप। ठीक है, अब क्या रिएक्शन कैसे होगा ये इसको देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम साल्ट। जो भी कार्बोक्सिलिक होगा एल्डिहाइड मीन फॉर्मिक एसिड होगा या एसिटिक एसिड होगा या कोई लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ और क्या बनाएगा, अमोनियम साल्ट बनाएगा। ठीक है, जिसको फर्दर हीट करेंगे तो प्रोड्यूस होगा हमारे पास एसिड अमाइड्स। हमारे पास ये एग्जांपल है CH3 सी डबल बॉन्ड OH NH3। ये क्या चीज़ है, एसिटिक एसिड और ये है अमोनिया। इसको रिएक्शन इन्होंने किया आपस में और ये क्या करेंगे, ये इसके पास लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अटैक करेंगे किस पर, इसके कार्बन पर। तो क्या होगा, ये बन जाएगा CH3 सी डबल बॉन्ड O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। ये भी हो सकता है कि ये NH3 और ये क्या हो जाए, कैप्चर हो जाए और ये बना दें और नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। ठीक है, अब ये बन गया साल्ट, अमोनियम साल्ट, अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको फर्दर हमने किया हीट तो ये हमारे पास बन गए एसिड अमाइड्स, CH3 सी डबल बॉन्ड हो एसिड और साथ अमाइड्स ग्रुप लगा हुआ है तो ये अमाइड्स बन जाएगा। ठीक है, एसिड अमाइड्स और साथ वाटर क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा एज अ। नेक्स्ट है मैकेनिज्म इसका, CH3 सी डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड लिया आपने तो इसके लॉन्ग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, ये अटैक करेंगे इसके कार्बन पर और ये हो जाएगा बॉन्ड शिफ्ट ऑक्सीजन पर और स्ट्रक्चर बन जाएगी ये CH3 सी डबल बॉन्ड O नेगेटिव और इसके साथ लगा देंगे NH3 एंड तीन बॉन्ड बनाता है तो चौथा इसके साथ लग गया है तो ये बॉन्ड इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और OH। ये बॉन्ड जो डबल बना हुआ था ये ऑक्सीजन पर फर्दर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, NH3 से एक प्रोटॉन होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा इस पर OH पर और ये देखें ये रिएक्शन है CH3 सी डबल बॉन्ड नेगेटिव OH NH2H। तो यहाँ से एक H है, ये इसने कैप्चर किया, ट्रांसफर हुआ और H2O बन गया। प्रोटॉन ट्रांसफर CH3 CO नेगेटिव NH2, ये पीछे NH2 बच गया, इसके तीन बॉन्ड कंप्लीट हो गए, ये वाला हाइड्रोजन जो था इसके साथ कंबाइन हो गया और ये बन जाएगा OH2। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होगा,